lesson its country for me written by patricia dimuth aur is lesson ka hum padhenge is video mein part 2 The Holland operate a self-sufficient farm. Holland khandan ek khud ka feel khet ka kaam karne wala hai. Typical of many in the corn belt. Corn belt mein bahut some apni noiyat ka. They raise livestock, cattle and a few sheep. Wo maal maveshi, gaay bhains aur chand bhedon ki nasal badhate hain. In each herd They keep some females to replenish the stock. माल मवेशियों की नस्ल बढ़ाने के लिए हर रेवड़ में वो कुछ मादा रखते हैं. The rest of the animals are sold for slaughter. बाकी के जो जानवर हैं वो ज़िबा के लिए बेच दिए जाते हैं. And land on America's tables as beef and lamb. और अमेरिका के दस्तरखानों पर गाय के गोश्त और भेड़ के गोश्त के तौर पर मौजूद होते हैं द होलैंड्स ग्रो वर्चुअली ऑल द फूड देयर एनिमल्स नीड हॉलैंड का जो खानदान है वो तमाम खुराक उगाता है जिसकी उनके जानवरों को ज़रूरत होती है कॉर्न ओट्स एंड हे अनाज जौ और सूखी हुई घास दे सेल द सरप्लस वो फालतू को फरोख्त कर देते हैं दो मोस्ट ऑफ देयर मनी कम्स फ्रॉम सेलिंग द एनिमल्स देमसेल्व्स अगरचे उनका ज़्यादातर सरमाया या उनकी ज़्यादातर रकम इन्हीं जानवरों को बेचने से आती है टू रन अ फार्म लाइक दिस Farmers have many skills. इस तरह का एक खेत चलाने के लिए किसानों को बहुत सी महारतें हासिल होनी चाहिए They have to be machines operators. उन्हें मशीनों को चलाने वाला Driving immense and powerful vehicles. उन्हें बड़ी और ताकतवर गाड़ियाँ चलाने वाला बनना पड़ता है Veterinarians. उन्हें जानवरों का डॉक्टर भी बनना पड़ता है Tending them when sick, उनका इलाज करना पड़ता है जब वो बीमार हो जाएं, देखभाल करनी पड़ती है Agriculturist, उन्हें माहिरे ज़रात होना पड़ता है Growing food on a large scale, बड़े पैमाने पर खुराक उगाने वाला होना पड़ता है And business people, और कारोबारी लोग Managing, इंतज़ाम करना पड़ता है Like Joel's father, जिस तरह से जॉल के वालिद करते हैं A farm operation पूरे खेत का इंतज़ाम करते हैं वर्थ नेयरली जिसकी कीमत है तकरीबन $1 million तकरीबन $10 लाख जो है जिसकी कीमत है इतने बड़े खेत को चलाने वाला बनना पड़ता है एस जॉल वर्क ऑन द फार्म जब जॉल खेतों पर काम करता है ही इज़ ऑल दीज वर्कर्स तो वो ये सारे कारिंदे होता है जो अभी हमने बात की है जिसकी येट ही इज़ अ बॉय स्टिल एंड लाइक एन अपेरेंटिस कंटिन्यूज टू लर्न न्यू स्किल्स ताहम वो अभी भी एक मतलब लड़का है छोटी उम्र का एंड लाइक एन अपेरेंटिस और वो एक उस्ताद सॉरी शागिर्द होना पसंद करता है Continues to learn, मुसलसल वो सीखता रहता है new skills, नई महारतें Joel takes his learning seriously, और Joel जो है अपने काम को बहुत संजीदगी से लेता है Because his goal is to become a farmer, क्योंकि उसकी मंजिल जो है वो एक किसान बनना है He is extremely alert and watchful, वो बहुत ज़्यादा चौकस और निगेबान रहता है Like a cat, बिल्कुल एक बिल्ली की तरह Even when not actively involved इन अ चो अगरचा अगर कोई भी किसी छोटे मोटे काम में अमली तौर पे उसमें शामिल ना हो जॉल कैन रेडिली आंसर एनी क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन तो जॉल जो है फौरन ही क्या हो रहा है उसके मुतालिक जवाब दे सकता है
He listens as his dad consoles a seat customer in kitchen. वो किचन में अपने वालिद साहब को सुनते हैं जब वो किसी कस्टमर को किसी बीज का मशवरा देते हैं. As his brother Terry consult a vet about recent deaths in his hog herd. और अपने भाई टेरी जो के जो उनके सुअरों का रेवड़ है उसके हालिया वाद के बारे में मशवरा करता है, उसको सुनता है. As to be constantly seeping, sometimes flowing into Joel's mind. ऐसे लगता है कि मालूमात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टपक रही है जोएल के दिमाग में, या कभी कभी वो सारा नॉलेज बहने भी लग जाता है उसके दिमाग में. जोएल इज़ द यंगेस्ट ऑफ एड एंड बेटीज हॉलैंड सिक्स चिल्ड्रेन. एड और बेटी के हॉलैंड के छः बच्चों में से जोएल सबसे छोटा बच्चा है. ओनली ही एंड हिज ब्रदर मार्टी 16 स्टिल लिव एट होम. सिर्फ वो और उसका जो बड़ा भाई है मार्टी जो कि 16 साल का है वो अब घर पे रहते हैं. टू अदर ब्रदर्स बिल एंड टेरी और उसके दो और भाई बिल एंड टेरी कम होम ईच डे. रोज़ाना घर आते हैं टू ईट मील्स विद द फैमिली, घर वालों के साथ खाना खाने के लिए. क्योंकि वो कहाँ रहते हैं, बिल एंड टेरी रेंट नेबरिंग फार्म्स. बिल और टेरी जो है वो करीबी खेत उन्होंने किराए पर लिए हुए हैं. ईच हैज़ हिज ओन लाइफ स्टॉक हर्ड. हर किसी का अपना माल मवेशियों का एक रेवड़ है. बट दे फॉर्म देयर लैंड कलेक्टिवली विद देयर फादर. लेकिन वो अपने बाप के साथ मजमूई तौर पर अपनी ज़मीन पर काश्तकारी करते हैं. टू अदर चिल्ड्रन केविन एंड कैंटी. दो उनके दूसरे बच्चे केविन और जो कैंटी है डू नॉट लिव एट होम. वो घर पर नहीं रहते. दिस ईयर केविन 22 केविन इस साल जिसकी उम्र 22 साल है विल ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज इन शिकागो. वो शिकागो की कॉलेज में पढ़ता है और इस साल वो ग्रेजुएट होगा. ही विल बी द फोर्थ कॉलेज ग्रेजुएट अमंग द होलैंड चिल्ड्रन. और वो होलैंड के बच्चों में से चौथा ग्रेजुएट होगा. वी इंसिस्ट दे ऑल गो टू कॉलेज एंड गेट अ टेस्ट ऑफ व्हाट इट्स लाइक ऑफ द फॉर्म से बेटी. बेटी कहता है कि हम इसरार करते हैं कि वो सब कॉलेज जाएं और खेत से परे का माहौल कैसा है उसका एक जायका लें. देन इफ दे वॉन्ट टू कम बैक टू फार्मिंग दैट्स फाइन. तो अगर कॉलेज जाने के बाद भी वो अगर खेती बाड़ी की तरफ वापस आना चाहते हैं तो बहुत उम्दा है. कैथी 24 इज़ द ओल्डेस्ट चाइल्ड एंड ओनली डॉटर. कैथी जो है वो 24 साल की है और वो सबसे बड़ी और इकलौती बेटी है. शी इज़ नाउ अ रोमन कैथोलिक नन डूइंग ग्रेजुएट स्टडी इन डुबक लोवा. वो क्या करती है कि एक वो रोमन कैथोलिक की राहिबा है और ड्यूबक जो लोवा है वहाँ से उसने डिग्री का ग्रेजुएट का मुताला भी कर रही है. बट लाइक हर ब्रदर्स लेकिन अपने भाइयों की तरह शी ड्यू अ फार्मिंग. वो भी खेती बाड़ी में बड़ी हुई है एंड शी स्टिल मिसेस इट. और वो अभी भी इसको कमी महसूस करती है खेतों की बहुत ज़्यादा. कैथी कॉल्ड दिस मई ड्यूरिंग हर फाइनल एग्जाम्स एंड सेट. इस मई उसने अपने फाइनल इम्तिहानात के दौरान टेलीफोन किया कैथी ने और कहा आई हैड गिव एनी थिंग टू बी प्लगिंग इंस्टेड कि मैं खेती बाड़ी करने के लिए कुछ भी इसकी जगह दूंगी. एज द यंगेस्ट जॉल हैज़ एट टाइम्स हैड मोर फैनिंग टीचर्स देन ही इज़ वॉन्टिड. एज़ द यंगेस्ट सबसे छोटा होने की वजह से बाज़ुकात जॉल के जो खेती बाड़ी के जो उस्ताद हैं उससे ज़्यादा होते हैं जिसकी उसे ज़रूरत होती है.
One night, ek raat, he sat at the kitchen table listening to his dad and brothers talking about the reward of farming. Ek raat wo bawarchi khane ki mez par baitha, apne walid aur bhaiyon ko kheti baadi ke inamat ke mutalliq baatein karte hue sun raha tha. It is a good independent life, said Bill. Uska bhai Bill kehta hai ki ye ek achhi aur khud mukhtar zindagi hai. You are your own boss. Tum khud hi apne aka ya malik hote ho. I would not know, said Joel. Joel kehta hai ki main नहीं जानना चाहूँगा. ग्रीनिंग ग्रीनिंग होता है थोड़ा सा हंसते हुए. आई हैव गॉट बॉसिस कहता है क्योंकि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा आका हैं या बॉस हैं. हु आस्ट हिज डैड उसके वालिद ने पूछा कि वो कौन है. जॉल पॉइंटेड टू ईच वन अराउंड द टेबल तो जॉल ने मेज के इर्द गिर्द हर एक की तरफ इशारा किया. दे ऑल लॉफ्ट वो सब हंस पड़े. जॉल यूज टू बी largely at somebody's side. Joel जो है अक्सर कभी ना कभी किसी की तरफ होता था. watching and listening या तो गौर से देख रहा होता था और सुन रहा होता था. lending a hand और मदद का हाथ बढ़ाता था. और going on the run for a tractor or forgotten tool कि जब किसी को या तो tractor चलाने की ज़रूरत होती थी या अगर कोई अपना कोई हथियार कोई टूल भूल जाता था. He took the occasional bossing he got in street. अक्सर क्या होता कि वो कभी कभार आका अपना खुद ही आका बन जाता जो इसे एक लम्हा लगता बनने में. Now he is so busy with his own work. अब वो अपने काम में इतना मसरूफ है that he is no longer available कि वो बिल्कुल भी दस्तयाब नहीं है टू बी एवरी बॉडीज गो फेयर कि हर किसी का कारिंदा बनने के लिए अब वो बिल्कुल भी फारिग नहीं है. इफ आई हैड जस्ट वन वर्ड टू डिस्क्राइब जॉल अगर मेरे पास जॉल को बयान करने के लिए सिर्फ एक लफ्ज होता इट वुड बी एंथुसिएज्म सेज बेटी तो ये पुरजोश होता यानी कि जोश लफ्ज़ होता जिसमें मैं जॉल को बयान कर सकता था. बेटी कहता है ही यूजेस हिज यूथफुल एनर्जी इनडिस्क्रिमिनेटली वो अपनी जवानी की जो तवानाई है उसको बिला तमीज़ इस्तेमाल करता है. ऑन वन समर डे गर्मियों के एक दिन ही जम्प्ड 15 फेंसेस वो 15 बाड़े क्रॉस उस पर छलांग लगाता है. ड्रॉफ फार्म मशीनरी 25 माइल्स और खेतों की जो मशीनरी है मशीनें हैं उनको 25 मील तक चलाता है. फेड 320 एनिमल्स 320 जानवरों को खुराक देता है. ओपनड एंड क्लोज्ड 8 गेट्स तकरीबन 8 बड़े दरवाजे जो हैं उसने खोलता और बंद करता है. वॉक्ड एंड रन अबाउट 8 माइल्स दौड़ता है और भागता है तकरीबन 8 मील तक. Jumped on and off the tractor 26 time. तकरीबन 26 दफ़ा ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ता और उतरता है. Lifted 900 pounds of grain. तकरीबन 900 जो है पौंड अनाज उठाता है. Shoveled 4000 pounds. और 400 पौंड जो मट्टी है उससे बेलचे से मट्टी उल्टी करता है. Ate about 2600 calories और तकरीबन 2600 कैलोरी वो खाता है. On weekend and during this the summer, हफ्ते के आखिरी दिनों में और गर्मियों के दौरान Joel works outdoors anywhere from 8 to 15 hours a day. Joel जो है वो घर से बाहर किसी भी जगह 8 से 15 घंटे काम करता है. The only time he minds it during early spring, कि सिर्फ वो वक्त जब वो बुरा मनाता है काम का वो मौसम बहार के शुरू का वक्त होता है. Then the snow melts.
उस वक्त बर्फ पिघलती है एंड रेन ऑफन पोर्स डाउन डेली और तकरीबन रोज़ाना ही बारिश होती है। टर्निंग द फार्म यार्ड इंटू अ स्वाम्प मड, तो वो बारिश जो है वो जो उनका बड़ा खेत का जो सहन है उसको दलदल में बदलते हुए बदल देती है। सक्स एट हिज बूट्स मेकिंग वॉकिंग इट्सेल्फ अ टेडियस चो, कि हर चीज़ गारा हो जाती है और ख़ुद पैदल चलने को एक नागवार काम बनाते हुए उसके जो बूट हैं कीचड़ को चूस लेते हैं। मोर देन द ब्रदर, अगरचे अपने भाई से ज़्यादा, दो जोल हेट्स द अगलीनेस, बदसूरती से नफरत करता है। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, एवरीथिंग सीम्स सो ऑफुल, तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा बदसूरत मालूम होती है। रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच एनर्जी हिज वर्क कंज्यूम्स, जोल हैज़ प्लेंटी लेफ्ट ओवर फॉर स्पोर्ट्स, इस बात की परवाह किए बगैर कि इसके काम में कितनी एनर्जी सर्फ होती है, वो अपने खेल के लिए भी वक्त निकालता है। ही हंट्स डियर एंड ट्रैप्स वाइल्ड लाइफ इन द फॉल, वो हिरणों का शिकार करता है और आबशार में जंगली जानवरों को फंसा लेता है। एंड स्नो मोबाइल्स इन द विंटर, और सर्दी में बर्फ़ वाली गाड़ी चलाता है, बर्फ़ की गाड़ी चलाता है। स्प्रिंग ब्रिंग्स सॉफ्ट बॉल एंड बास्केटबॉल, मौसम बहार जो है वो सॉफ्ट बॉल और बास्केटबॉल के खेल लाता है। एंड समर प्रोवाइड्स वेदर फॉर वाटर स्कीइंग एंड फिशिंग, जबकि मौसम गर्मा का जो मौसम है वो पानी पर फिसलने वाला और माहीगीरी यानी कि मछलियाँ पकड़ने का मौसम लाता है। Nearly all his favorite sports are played outdoors. तकरीबन उसके जो सारे ही पसंदीदा खेल हैं वो घर से बाहर खेले जाते हैं। If he had to live in the city for a year, अगर जॉल को एक साल के लिए शहर में रहना पड़े, जॉल says he would mostly miss the land. तो जॉल कहता है कि वो अपनी ज़मीन की जो कमी है या खेतों की कमी है बुरी तरीके से महसूस करेगा। आई हैड मिस सीइंग थिंग्स ग्रो, कहता है मैं चीज़ों को फलते हुए बड़े होते हुए देखना, उन्हें जो है उसकी कमी महसूस करूँगा। द चेंज ऑफ सीजन्स, मौसमों के बदलने की कमी को महसूस करूँगा। इन फैक्ट दरअसल, इफ़ जॉल कुड चूज एनी प्लेस इन द वर्ल्ड टू लिव, अगर जॉल को पूरी दुनिया में से कोई भी जगह का इंतखाब करना पड़े रहने के लिए, ही गेसेस He had life right here. तो वो अंदाज़ा लगाता है कि वो बिल्कुल यहीं पर रहना पसंद करेगा। It have to be country, ये देहाती इलाका होगा यानी कि उसका गांव होगा। After living out here, यहाँ रहने के बाद, I don't think I had ever want to be in the city. कहते हैं यहाँ रहने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि मैं कभी भी शहर में रहना पसंद करूँगा। You just don't have the freedom. कहते हैं आपको आज़ादी नहीं होती और the responsibilities या जिम्मेदारियाँ नहीं होती। I am not saying a city kid does not have responsibilities. कहते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि एक शहरी बच्चे की जिम्मेदारियाँ नहीं होती। But you don't work as a family. लेकिन आप एक ख़ानदान की तरह काम नहीं करते। द वे यू डू ऑन अ फार्म, जिस तरीके से आप लोग खेतों पर मिलकर काम करते हैं। इट जस्ट हैव टू बी कंट्री फॉर मी, कहता है बस मैं अपने लिए देहाती इलाका ही चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमारे लेसन का एंड होता है।